Listen to the Alok Nitin podcast at a YouTube near you. बस ठीक नितिन, तू सुना क्या हो रहा है? आपके अंदर वो एंथुसियाज्म और एनर्जी क्यों नहीं है जो 12th क्लास के सीबीएसई बोर्ड के बच्चे ऑल ओवर द कंट्री फील कर रहे थे? वी आर सुपर हैप्पी। यस यस यस, कल के अनाउंसमेंट के बाद में तो दे विल बी सुपर डुपर हैप्पी। और मुझे लगता है पूरा देश बहुत पैरानॉइड हो रखा है भाई। कल एक बड़े पत्रकार है, उन्होंने ट्विटर पे सोशल मीडिया पे जब 8 बजे ऐलान किया कि 12वीं क्लास सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएं रद्द, जस्ट नाउ अभी किसी ने डाला, उसके बाद नीचे कोई अगला बंदा कमेंट क्या करता है, अब यूपी बोर्ड का क्या होगा? यानी लोग खुशी नहीं मना सकते दादा, एक मोमेंट की इतना भयंकर पैरानोया चल रहा है। बट इट्स अ गुड डे फॉर 12th क्लास स्टूडेंट्स। ओह यस यस यस, पार्टी अभी बाकी है के गाने चल रहे हैं मतलब। और अगर ऐसा नहीं हुआ होता, एग्जाम कैंसिल नहीं हुए होते, तो मुझे लगता है वो पक्के से गा रहे होते कि क्या हुआ तेरा वादा वो कसम हो रहा था। आज मुझे अपने 12th क्लास के दिन की याद भी आ गई, जब आपको पता है था कि मैंने किसी को बताया नहीं है, 12th क्लास में मेरा एक बहुत जबरदस्त रोड एक्सीडेंट हुआ था। और मैं 3 महीने के लिए आई वॉज लाइक ऑन बेड, और उस समय पे There was nothing much to watch on television. और जन्म हुआ था एकदम से उस समय के एक ऐसे फिनोमिनन का जिसको हमने कहा स्टार वन। ओह यस यस, आपको याद है क्या? स्टार वन तो या एब्सोल्युटली। और वो ना मतलब उस समय का वेब सीरीज ओटीटी प्लेटफॉर्म था। हाँ, दे वर एंटायरली डिफरेंट था, उनका कंटेंट अलग था। वो चैनल जब मैं देखता था तो मम्मी पापा शक भरी निगाहों से देखते थे, ये कौन सा चैनल है और इसमें क्या देख रहा है ये? राइट। और उस समय पे एक शो दादा आया और मैं आई वॉज लाइक ब्लोन अवे कि यार लाइफ में क्या दिख रहे हैं ये, क्या क्या बंदा है ये, मतलब इसके पहले मैंने कभी ऐसा कुछ देखा नहीं था मतलब। शो वो सिद्धांत। यस यस यस, उस शो की महानता इतनी ज्यादा है दादा कि वो मुझे उस समय तक पसंद आया था। उस समय से लेके अभी तक पूरी जो टेलीविजन इंडस्ट्री ने हमारे जितने भी करोड़ों लाखों शोज बनाए हैं उनमें से सिद्धांत इज द ओनली वन जिसके पास ये खिताब है कि वो एमीज के लिए नॉमिनेशन गया था। यस, व्हाट एन अचीवमेंट यार, विदिन इतने सालों पहले यार, कैन यू इमेजिन, सोचो। एंड द बेस्ट पार्ट इज मैंने किसी को बड़ा प्यार भरा संदेश वापस भेजा भेजा और उनकी तरफ से मुझे प्यार भरा संदेश आया। तो इसीलिए मैं आज अपने शो पे एक्सक्लूसिवली द ओरिजिनल सिद्धांत ब्लेजिंग डैशिंग स्मैशिंग वन इन द ओनली ट्रू ईद का चांद पवन शंकर इज विद अस। पवन कैसे हो आप इतने समय के बात करके? मेरे को तो बहुत भयंकर एक्साइटमेंट हो रही है भाई आपसे। इतनी इतनी बेहतरीन इंट्रोडक्शन देने के बाद कोई भी आसमान तक पहुंच जाएगा नितिन। आसमान पे ही है सर, और आप हमेशा हमारे लिए आसमान पे रहने वाले। एब्सोल्युटली पवन, वेलकम टू द शो। थैंक यू आलोक जी, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। और लेकिन आप बोलिए, पहले कंप्लीट करिए अपनी बात। और सबसे मजे की बात ये दादा कि इट इज मूविंग फॉरवर्ड। कल का दिन बड़ा स्पेशल है, इसीलिए पवन सर भी बोले कि नहीं नहीं हाँ लेट्स टॉक अबाउट इट, यार हमको बात करनी चाहिए इसके बारे में। कल का दिन इसलिए स्पेशल है दादा क्योंकि 3rd of June अभी पवन सर का एक बिल्कुल खूबसूरत नया प्रोजेक्ट हमको देखना शुरू होगा डिज्नी हॉटस्टार पर। wow. इसके बारे में इनिशियल पवन सर, मेरे को बहुत कुछ चीजें पूछनी है आपसे, बट इनिशियली ये कैसे हुआ? अधूरे पूरे से हम देखिए, हम सब कहीं ना कहीं इम्परफेक्ट हैं लाइफ में, और हमारी लाइफ भी इम्परफेक्ट है भले हम माने या ना माने। इसीलिए अधूरे पूरे से हम, जो इसका टाइटल है कि हमारे सिद्धांत में एक चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर होते थे मृगांक दुबे, और क्या होता है जो भी उस सीरीज से जुड़ा था उसको सब पता था कि कौन कैसे काम करता है, कौन कितना कर सकता है, किस लेवल पे जाके परफॉर्म कर सकता है। तो मृगांक बहुत सालों से स्टार के लिए काम कर रहे हैं, तो उनका मेरे पास आया था कि एक फिल्म है आप करना चाहेंगे, और स्टोरी इसकी जो स्टोरी लाइन है वो, और मैं बता दूं अधूरे पूरे से हम कांस में भी स्क्रीन हुई थी एज अ शॉर्ट फिल्म, इट वाज शॉर्टलिस्टेड एंड वाज स्क्रीन, नियरली इट हैज टच्ड 30 अवार्ड्स व्हेन इट कम्स टू बेस्ट फिल्म, बेस्ट स्टोरी, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट कैमरामैन,
और बेस्ट एक्टर एंड बेस्ट एक्ट्रेस सबका कम्बाइंड मिला लें तो अक्रॉस द वर्ल्ड इन सेवरल फेस्टिवल इट हैज वन अराउंड 30+ अवार्ड्स और कुछ में जो बेस्ट एक्ट्रेस है उनको भी अच्छा रिकॉग्निशन मिला और कुछ में कहीं स्पेशल मेंशन मिला लीड एक्टर को कहीं पे बेस्ट डायरेक्शन का मिला तो मिक्स सब पूरी टीम है. होता क्या है कि आपने जब सिद्धांत की बात की क्या होता है कभी कभी ऐसा होता है जो आजकल ओटीटी में हम देख रहे हैं कि हर डिपार्टमेंट या हर एक्टर या हर कैमरामैन हर चीज परफेक्ट होती है और वो कल्ट शो बन जाता है चाहे वो डायरेक्शन हो चाहे वो कैमरा हो चाहे वो एक्टर हो एक भी कड़ी कमजोर होती है तो वो कल्ट शो नहीं बन पाता है. तो सिद्धांत के साथ क्या हुआ था आपने चूंकि इतनी बात कह दी सिद्धांत के साथ क्या हुआ था कि उसमें जो राइटर्स थे चारुदत्त आचार्य जो डायरेक्टर्स थे अभिनव सिंह कश्यप जिनकी बाद में आगे चल के दबंग भी आई थी अभिनव वॉज माई गुरु और स्टार वन का वो था कि आप नए तरीके से नए अप्रोच से आप जो आज हम ओटीटी जो फॉलो कर रहे हैं वो पैटर्न एक्चुअली तब अडॉप्ट हो गया था बट वॉज बिफोर टाइम. उसमें कैमरा राइटिंग और बाई चांस एक्टर्स भी सारे ऐसे कास्ट हुए थे मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूँ सारे बेहतरीन एक्टर्स कास्ट हुए थे मैं तो न्यू कमर था तो सब कुछ जब पड़ जाता है ना क्या कहते हैं बिल्कुल सिस्टम में फिट हो जाता है तो एक कल्ट निकल के आता है जो आप बनाते समय नहीं आप महसूस कर सकते. आज की डेट में भी कुछ सीरीज आपके ओटीटी में ऐसी बन गई हैं जो शायद उनको अचीव करना मुश्किल होगा आने वाले टाइम में लेकिन इट्स अ गुड टाइम फॉर एक्टर्स फॉर गुड एक्टर्स दिस इज द बेस्ट टाइम फॉर स्टार एक्टर्स इट इज नॉट द बेस्ट टाइम बट फॉर गुड एक्टर्स दिस इज द बेस्ट टाइम इन टुडेज एक्टिंग इंडस्ट्री. सो वेल सेड. और दूसरा अधूरे पूरे से हम एक ऐसी कहानी थी जो आप देखिए अब फेस्टिवल्स में रिकॉग्नाइज होने लगी मतलब कुछ तो बात रही होगी तो धीमे धीमे जब फिल्म बन गई अब आप जब कल फिल्म देखेंगे हॉटस्टार पे कल आ जाएगी डिज्नी प्लस के तो आपको देखेंगे कि आपको पहले कुछ लगता है पहले 5 मिनट लगता है फिल्म क्या है फिर लगता है दूसरे 5 मिनट फिल्म कहाँ चली गई फिर तीसरे 5 मिनट में कहीं और चली गई और एंड आते आते कहीं और पहुंच गई. इट्स अ 20 मिनट शॉर्ट फिल्म एंड और उसमें काफी मतलब रियालिटीज है किसी के हमको लगता है जैसे अभी एक बहुत ही सरफेस पे क्या दिखता है और अंदर क्या होता है दोनों में बहुत फर्क होता है. हम हर रिश्ते की बात करें हस्बैंड वाइफ की बात करें एक ऊपर से क्या दिख रहा है अंदर से क्या है तो उसमें लेयर्स हैं जो एक पॉइंट के बाद अराउंड 14-15 मिनट पे आके पड़ता है कि ये एक्चुअली था क्या चक्कर. और उसमें एक बहुत स्ट्रॉन्ग वुमन को भी दिखाया गया है कि वुमन उनको बेचारी ना समझे उसके साथ कुछ गलत हुआ है तो उसको बेचारी ना समझा जाए सबसे बड़ी बात. तो ये एक मैसेज भी देती है जबरदस्त मैसेज देती है तो आप लोग देख सकते हैं और एक अच्छी फिल्म बन गई है और उम्मीद है कि अच्छी रहेगी. और कुछ आप बताइए. मैं तो दादा वो प्रिया जी को मैं तो देख के मैं तो उनका फैन हो गया. मैं बोला कितनी सुंदर है भाई वो मतलब आपने ढूंढ के निकाला उसको यानी जो कहते ना कि एक विमेन में जो इंडियननेस का जो कॉम्बिनेशन होता है वो अमेजिंग क्या गंभीरता. और जस्ट मैं छोटा सा एक रिमार्क देना चाहता हूँ आपको पवन सर की जब हम लोग उसके स्टिल्स देख रहे हैं आई माइट बी रॉन्ग लेकिन मैं यहाँ पे मैं जो गेस्ट क्योंकि मुझे अभी पता नहीं है किस बारे में है मैं तो आई एम डेस्परेटली कि तीन हो जाए जल्दी से इसको देखने मिले क्योंकि इट इज वंडरफुल टू सी यू परफॉर्म. कोई भी सीन आप कैसे करने वाले वो देखने मेरे को बड़ा इंटरेस्ट है ये कैसे करने वाले हैं इसको. तो मेरा जो अभी तक सिर्फ जो ऑब्जर्वेशन है वो ये कहता है कि जहां तक ये जो आप जिस कैरेक्टर को प्ले कर रहे हो और ये जो बंदी है ये लोग कॉलेज फ्रेंड्स रहे होंगे ऑफिस बडीज रहे होंगे बहुत ही मस्त लाइफ इन्होंने देखा वो साथ में आ सकते थे शायद लेकिन कुछ कंडीशंस बनी कि वो साथ में नहीं आए उन्होंने अलग अलग लाइफ चुना और फिर 20-25 साल बाद शायद दे हैव मेट अगेन फिर से एक बार वो लोग साथ में आए एंड नाउ दे आर थिंकिंग ओवर कि यार क्या गलत हुआ क्या सही हुआ क्या हम इसको कुछ बदल सकते हैं क्या क्योंकि ये ऐसा मैं इसलिए सोच रहा हूँ पवन सर क्योंकि अब ये भयंकर चल रहा है पिछले 1.5 साल से लोगों के पास करने के लिए कुछ था नहीं नॉस्टैल्जिया के अलावा तो बहुत सारे लोग सचमुच ये सोच रहे हैं कि यार ये जो मैंने शादी की ये बंदे से सही की क्या ये बंदी से सही की क्या वो वैसा हो सकता था. तो मेरा ऑब्जर्वेशन योर ऑनर कैसा लगा आपको ये मेरे इनिशियल. आदमी खाली हो जाता है तो फिर पुरानी यादें आती हैं तो पुरानी गर्लफ्रेंड्स भी आ जाती होंगी तो बहुत से रिकनेक्शन भी हुए होंगे इस लॉकडाउन में लेकिन क्योंकि एवरी वन गॉट टाइम यू नो फ्रॉम द फास्ट पेस्ड लाइफ सबको थोड़ा थोड़ा समय मिला तो सबने थोड़ा थोड़ा
तो पुरानी यादें, लेकिन ये जो टॉपिक है अधूरे पूरे सर, एक ऐसा बर्निंग टॉपिक है इसमें, जब आप लोग कल देखेंगे वो इतना बर्निंग टॉपिक है, लेकिन वो बिल्कुल सतह से दबा हुआ है। बिल्कुल दबा हुआ है, और जो निकल कर आएगा कल, और काफी जो एक मैं कह सकता हूँ कि 10 में से 8 या 9 लेडीज, पता नहीं, मतलब अगर प्रोग्रेसिव इंडिया हो गया तो कम हो गया, लेकिन 7-8 इससे गुजरती हैं। वाओ, जिस टॉपिक के आउट ऑफ 10 7-8 इस टॉपिक से गुजरती हैं, जो आप लोग कल देख पाएंगे। जी, इंटरेस्टिंग। लेकिन आप चाहें तो बता भी सकते हैं, लेकिन अगर आपको रिवील करना है तो बता भी सकते हैं, क्योंकि कल तो रिलीज हो ही रही है, पता लग ही जाएगा। लेकिन उसमें गड़बड़ हो जाएगा, फिर आपका इम्पैक्ट खत्म हो जाएगा, जब आप दोनों देखेंगे या व्यूअर्स जो सुन रहे हैं देखेंगे, तो उनको सस्पेंस चला जाएगा। हम लोग को भी स्पॉइलर अलर्ट नहीं चाहिए, और आप लोग भी कल ही देखने वाले हैं। बहुत बढ़िया दादा, और मैं एक बार फिर से मैं प्रिया जी के लिए बोलना चाहता हूँ, वो बहुत अच्छी लग रही है पवन सर, एंड लाइक अ जेम आप ही की तरह, और आपको देख के तो भाई ऐसा लग ही नहीं रहा कि 10-20 साल निकल गए हो। देखिए, मैंने तय कर लिया है कि जब तक मैं स्टार नहीं बन जाता ना, स्टार वाला स्टार, तब तक बूढ़ा नहीं होना है। बहुत ही सही यार, सही बात बोली आपने। अब मुझे समझ, I don't know how to react, ऐसे ततास्तु ऐसे नौ ततास्तु। नहीं, तथास्तु बोलिए, क्योंकि वक्त पीढ़ी आगे बढ़नी चाहिए, हम लोग एज होने चाहिए, जिससे नई पीढ़ी आए, ये काल चक्र है जो चलते रहना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। क्या बात तो है, बिल्कुल होना चाहिए। नहीं, मैं इनफैक्ट आपको बताना चाहता हूँ कि पवन सर सिर्फ एक्टर नहीं, वो एक बहुत ही जबरदस्त स्टूडेंट भी रहे अपनी लाइफ में। हाँ, राइट है पवन सर, आप गोल्ड मेडलिस्ट भी हो ऐसा बताते हैं। बड़ी लंबी कहानी है, लेकिन आपको बहुत शॉर्ट में दो लाइनें बता देते हैं। मैंने फर्स्ट बीकॉम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जो थी उस समय, मैंने फर्स्ट ईयर में, मैं बहुत पढ़ाई में बहुत अच्छा था, तो मैं फोर्थ आया फर्स्ट ईयर में। सेकंड ईयर में मैं थर्ड आया, लेकिन जो फर्स्ट ईयर में फर्स्ट सेकंड थर्ड आए थे, सेकंड ईयर में 8th 9th 10th हो गए, तो ओवरऑल मैं टॉप कर रहा था। मेरे पास थर्ड ईयर में एक ऑप्शन था कि टॉप नहीं कर पा रहा था, नंबर सबसे ज्यादा हो गए आप ओवरऑल, लेकिन आप टॉप नहीं किया आपने, ना फर्स्ट ईयर में किया ना सेकंड ईयर में, तो मेरे पास ऑप्शन था कि मैं क्या करूं। तो मेरे पास एक ही ऑप्शन था, सब टॉप 10 स्टूडेंट सब कट टू कट से बिल्कुल, ना सब बिल्कुल 99-98 वाले, तो कैसे किया जाए, तो मैंने मैथ्स ले ली थी। मैंने बीकॉम में जाके मैथ्स थी, जबकि 12th में मेरे पास मैथ्स नहीं थी, क्योंकि मैथ्स ही एक सब्जेक्ट था, या तो मुझे आर कर देता या पार कर देता, सही, या तो अच्छा। हाँ, मतलब और कोई इतना स्कोरिंग सब्जेक्ट होता नहीं, तो मैंने मैथ्स लिया, और उस वजह से मेरे और जो, फिर मैंने बीकॉम टॉप किया इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, तो मेरे और जो सेकंड वाले में जो गैप था वो 56 मार्क्स का गैप था। मतलब एक एक दो दो नंबर का गैप होता है, तो आपको रिस्क लेना पड़ता है। इससे क्या पता लगता है कि आपको रिस्क लेना पड़ता है अगर आपको एक लंबी जंप लेनी है। जो रिस्क नहीं देगा वो फिर, मतलब फिर कट टू कट ही रहेगा मामला। इसलिए वो रिस्क लिया, तो मैंने बीकॉम भी टॉप किया, ओवरऑल भी टॉप किया, और 56 मार्क्स का डिफरेंस भी रहा, और गोल्ड मेडल मिला। नहीं, इट शोज दादा, मैं पढ़ाई का बात इसलिए लेके आया क्योंकि अभी 12th के स्टूडेंट्स भी हैं, वो लोग अब मजे कर रहे हैं फाइनली। एजुकेशन का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है दादा, आप जिस तरीके पढ़ के आए हो ना, इट लुक्स, इट शोज, और आप वैसा बिहेव करते हो। तो जब सिद्धांत में जब पवन सर आए ना, और वो एक ऐसे मतलब बिल्कुल टॉप क्लास लॉयर के उसमें आए, तो ही वॉज बिलीवेबल कि हाँ भाई ये बंदा कुछ और है। मतलब इनसे मैं इतना इंस्पायर्ड हूँ कि अब तो वैसे 10-20 साल में मैंने फॉर्मल शर्ट कभी पहने नहीं होंगे, लेकिन जितने भी 3-4 अभी भी फॉर्मल शर्ट थे, वो वही आपके पैटर्न वाले हैं पवन सर, जैसे आप पहनते थे उसमें सिद्धांत में वाइट से लेने। हाँ, काफी चीजें, काफी लोगों ने शर्ट के डिजाइन भी उस समय बात करते थे। लेकिन मुझे लगता है कि पढ़ाई पढ़ाई सबसे ज्यादा जरूरी इसलिए रहती है कि आपको एक कॉम्प्लेक्स नहीं रहता लाइफ में। आप चाहे अनपढ़ आदमी भी बहुत बड़ा आदमी बन जाए, बहुत बड़ा आदमी बन जाए, मैं कह रहा हूँ कुछ भी बन जाए, किसी लेवल बनते ही है, ऐसा नहीं कि बहुत लोग नहीं बनते हैं, लेकिन एक कॉम्प्लेक्स जरूर रह जाता है। अब जो अपने क्रिकेटर्स हैं टॉप, शायद उनमें कुछ, मैं नाम तो एग्जैक्टली नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन कुछ टॉप क्रिकेटर्स हैं जो कल्ट फिगर्स हैं, जो लेजेंड्स हैं, शायद वो 10th पास नहीं कर पाए थे, 10th ही पढ़े हैं, शायद कुछ ऐसा है, लेकिन उन्होंने भी कहीं एक्सप्रेस किया था कि मुझे जिंदगी में एक ही मलाल है कि मैंने पढ़ाई नहीं की। तो एक जो वो रह जाता है ना जिंदगी में, वो हमेशा रह जाता है, वो उसी को पता होता है, एक्सप्रेस नहीं करेगा, भले ही उसके नीचे सारे IAS PCS और CA और कंपनी सेक्रेटरी काम कर रहे हैं, बहुत बड़ी कर, हजारों करोड़ की टर्नओवर, लेकिन उसके अंदर वो जब सोता होगा ना,
तो इसलिए अब मेरे एक और बहुत बढ़िया बात है आज के स्टूडेंट्स के लिए, बहुत जरूरी बात है कि पूरी जिंदगी आपके 7 साल डिफाइन करते हैं। हमारे डैड कहते हैं, पिताजी की पूरी जिंदगी 7 साल डिफाइन करते हैं, 9, 10, 11, 12, 4 और 3 ग्रेजुएशन के, बाकी की पूरी जिंदगी आपकी कैसे रहेगी, क्या बात। लेकिन बच्चे समझ नहीं पाते हैं। हाँ दादा, उस समय पे समझ में नहीं आता ना, वो टाइम पे कि ऐसे करना चाहिए था यार। वो वक्त वक्त किसी, देख अगर सब लोग दूसरों की गलतियों से समझ जाएं तो हिंदुस्तान में क्या, पूरे वर्ल्ड में गलतियां होनी बंद हो जाए। आप बताइए कि जिंदगी में सबसे आसान, मैं भोपाल में था, एक मेरा मेरा बिजनेस भी है कुछ, तो एक भोपाल में था, हाँ भोपाल में था, तो रेलवे स्टेशन पे कुछ यंग बॉडी, बढ़िया बॉडी, गुड लुकिंग बच्चे हमाल का काम कर रहे थे, पोर्टर का काम कर रहे थे, भारी भारी सामान उठा के इधर से उधर कर रहे थे, कुछ सामान एक स्टेशन पे कुछ अटक गया था, और खुशी खुशी कर रहे थे, पसीना बह रहा है, लेकिन लग रहा है जैसे फिल्मों में मिथुन चक्रवर्ती उठा के सामान उधर कर रहे हैं ना, जैसे अमिताभ बच्चन वाला, लेकिन वो बहुत कठिन काम था, इतना भारी सामान की भाई साहब अगर हम और आप उठा लें तो हमारी बैक टूट जाए, बैक की हड्डी पे जर्क आ जाए, लेकिन वो लोग कर रहे थे, खुशी खुशी कर रहे थे। तो मुझे लगा तो ये तो बहुत ही कठिन काम है, किसी दिन भी गलत आपने उठा लिया पूरी हड्डी टेढ़ी हो गई, आपकी जिंदगी भर का हो गया। सबसे आसान काम होता है किताब खोल के पढ़ना। क्या बात है, सो वेल सेड। एक किताब है उसको खोल के पढ़ना है, सिर्फ आपको बैठ के खाना मिल रहा है, घर पे सब मिल रहा है, आप वही नहीं कर सकते। आप हमाल का काम कर रहे हो, आप होटलों में वेटरों का काम कर रहे हो, ये काम छोटे नहीं है, लेकिन आपने सबसे कठिन रास्ता चुन लिया है। आपने रास्ता अपने लिए कठिन चुन लिया। एक आईएएस जो बनता है ना, एक बार जम के पढ़ाई करता है, पूरी जिंदगी जब तक रिटायर नहीं होता लोग सर झुका के खड़े रहते हैं उसके सामने। क्या बात है, पूरी जिंदगी उसका फास्ट उसका इफेक्ट होता है। मेरी एजुकेशन की भी कंपनी थी, एजुकेशन रिश्ता है अभी, इनफैक्ट कोविड के पहले, कोविड से अभी तो काम रुका हुआ है, लेकिन मैं स्कूल फेयर्स करता था और करियर फेयर्स होती है पूरे इंडिया में, और तो उससे मुझे बहुत ज्यादा एजुकेशन में एजुकेशनिस्ट के साथ रहने का मौका मिला। तो जो मेरा बीकॉम टॉपर और एमबीए फाइनेंस और एमटी गाजियाबाद की जो और कॉर्पोरेट वर्ल्ड की जर्नी जो अधूरी रह गई, तो मैंने एजुकेशन के बिजनेस के माध्यम से काफी पूरी करने की कोशिश की। और वो दिखता है, वो तो टूल ही दिखता भी है पवन सर। और मैं एक्चुअली दादा, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये पवन सर को अपने एजुकेशन से मॉडेस्टी भी सीखने मिली है। ये इन्होंने जो बिजनेस बोला है, इनके बिजनेस के बारे में 4 शब्द बताना चाहता हूँ आपको। फैशनिस्टा और फैशन नव्या, ऐसे एग्जीबिशन होते हैं जो पूरे देश भर में लगते हैं, और पूरे देश भर का तो मुझे नहीं पता, लेकिन नागपुर में आई हैव सीन कि किस तरीके से हुज एंड हुज ऑफ टाउन। आपको आप नागपुर कैसे पता आपको? अरे सर क्या बात कर रहे हो, नागपुर के नागपुर में कब मैं था सर, तो कई बार आपने शो पे लिया है अपने। हाँ हाँ याद है मुझे, याद है, याद है, याद है। तो उस समय पे यानी मतलब दादा, आई हैव सीन आपके आने का क्रेज, हूज एंड हूज सब आके, मतलब पहले एक राउंड देख के जाएंगे, फिर सेकंड टाइम में लेके जाएंगे, तो वो फैंटास्टिक है दादा। अभी लॉकडाउन के समय पे उस पर भी इफेक्ट पड़ा होगा काफी, लेकिन लॉकडाउन में बीच में अक्टूबर से शुरू हो गया था और अप्रैल तक बहुत अच्छा चला, लेकिन 1 अप्रैल 10 तारीख से तो सभी कुछ रुक गया। हाँ। लेकिन नागपुर हमारी कर्म भूमि है बिजनेस की, नागपुर से ही हमारी फैशन की शुरू हुई थी, एग्जीबिशन नागपुर से, एजुकेशन शुरू हुई थी, तो नागपुर हमारे दिल के बहुत करीब हिस्से जगह है। कर्म भूमि अगर कहेंगे बिजनेस की तो नागपुर से शुरू होती है। बट पवन सर, मैं वही आई वाज गोइंग थ्रू योर प्रोफाइल, आप इतना डिफरेंट डिफरेंट काम करते हैं अलग अलग तरह के, एंड डायगोनली अपोजिट एक्टिंग एंड बिजनेस, एजुकेशनलिस्ट, यू नो चारों दिशाएं में जा रहा है, हाउ डू यू अचीव दिस, यू नो हाउ डू यू स्पेंड योर डे? देखिए जब जो काम करता हूँ ना, फिर उसी का हो जाता हूँ। जिस दिन ऐसे मुझे कोई ऑडिशन देना है या कुछ ऐसा शो, उस दिन फिर मैं कुछ और नहीं करता हूँ। एक चीज होती है, मैंने अभी पढ़ी माइंडफुलनेस, आप नोइंगली अननोइंगली कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली काम करते हैं। माइंडफुलनेस का मतलब ये होता है कि जिस कार को करें उस कार को ही करें। मतलब जब आप, मैं जब जिस शहर में गया, अगर मैं जैसे मुझे जबलपुर जाना है तो जबलपुर तब मेरे दिमाग में आया तो मुझे बाकी चीज हट गई। एक्टिंग के सेट पे गया तो परिवार हट गया, फोन तक नहीं रखता हूं अपने साथ। तभी तो आप फुल प्रूफ तरीके से एक डेडिकेशन के साथ किसी भी चीज में कर सकते हैं। जब किसी कॉन्फ्रेंस में है तो फिर एक्टिंग का नहीं सोचना है, फिर वहां पे क्या बोलना है वो सोचना है। तो हर चीज, अभी क्या होता है हम लोग एक साथ 4 काम करते हैं, ये भी चल रहा है, मोबाइल भी देख रहे हैं, टीवी भी चल रहा है, और साथ में किताब अखबार भी पढ़ा हुआ है, बच्चे भी डिस्टर्ब कर रहे हैं। मतलब सारी चीजें, ये होता है कि आप
कोई भी चीज, तो आपको एक अभी आज की डेट में बच्चे कितने डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं आप देख रहे हैं, बच्चे डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, तो उन सबको बस ये बोलना है कि बेटा जब जो काम करो तब वही काम करो, तभी उस काम को इनके साथ इंसाफ होगा। तो यही रहता है कि बिल्कुल पार्टीशन कर देता हूं मैं। अब जैसे मुझे एक मेरे डैड का इलेक्शन था, विकी की टैक्सी में उस समय कर रहा था जो मेरे टेक का शो था रियल चैनल पे, तो मुझे मैंने पार्लियामेंट का इलेक्शन था डैड का, तो मैंने यहाँ पे बोला कि भाई मुझे जाना है, मैं इकलौता बेटा हूँ, मैं जाऊंगा। तो आप लोगों ने, हम लोग ने प्लान किया और हम लोगों ने एक महीने का एडवांस शूट करके रखा। मैं वापस आया, शूट शुरू हुई। जब मैं एक अभी गुड्डन सीरियल लास्ट ईयर मैंने एक नेगेटिव रोल किया था, बहुत मजा आया करने में, उसके ऐसे ऐसे कमेंट्स आए कि मैं कि इतना रियल इतना क्यूट विलन नहीं देखा, प्लीज वापस आ जाओ ऐसे कमेंट थे गुड्डन में। तो लेकिन वो दिसंबर में, तो उस समय जब मुझे, और मेरे बिजनेस भी लाइन से लगे हुए थे, लास्ट ईयर की बात है लॉकडाउन के पहले की, तो एग्जीबिशंस भी लगी हुई थी, फैशन की भी लगी हुई है, एजुकेशन की भी लगी हुई है, 15-15 तीन महीने में 10-10, 12-12 एग्जीबिशन। तो मैंने सारी चीज प्लान किया, जितनी मार्केटिंग हो सकती थी, जितने एड जाने थे, रेडियो एड जाने थे, होर्डिंग जानी थी, मैंने सब प्लान कर दिया, एवरीथिंग वॉज प्लान। तो प्लानिंग से आप सब अचीव कर सकते हैं। मुझे पता था कि मैं जब एक्टिंग के फ्लोर पे जाऊंगा तो मुझे कुछ और नहीं सुनना है, तो मुझे ये कॉल नहीं आनी है स्टाफ की कि सर ये काम अब होना है। तो जब आप पहले ही सारी चीज लाइनअप कर देते हैं, मुझे पता था मेरे पास 2 महीने टाइम नहीं, और उस समय कुछ एक दो शो जो मेरे ही भरोसे थे तो उनको मैंने पुल ऑफ भी किया था, एक दो एग्जीबिशन, क्योंकि वो मेरे बिना नहीं हो सकती थी, मेरा जाना जरूरी था। तो इस वजह से, तो थोड़ा थोड़ा मतलब आप कर सकते हैं, लेकिन ये है कि एक जिद होनी चाहिए। जब हम लोग पढ़ते थे, पता नहीं आजकल के कुछ बच्चे तो आई एम श्योर उस पहले की तरह पढ़ते होंगे, लेकिन हम लोग पढ़ते थे तो माँ बाप कहते थे बेटा बस करो, अरे वाह, 3-4 बजे मम्मी आके देखती थी, पिताजी आके देखते थे, बेटा बस करो, थोड़ा सो जाओ, थोड़ा ब्रेक ले लो। और आज की डेट में तो बेटा मोबाइल रख दो पढ़ लो। सब ADHD के शिकार है, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। याद नहीं, एक इमेज आई थी ना, जैसे पहले बच्चों को कहते थे कि घर में आओ, पूरे दिन लोफरी कर रहे हो, अंदर आओ, पर अब कहते थे नीचे जाओ, पूरे दिन मोबाइल पे लगे, नीचे जाओ। नहीं सही है, दिस वाज ग्रेट फन दादा। एक मैं बहुत बड़ा यहाँ पे खुलासा करना चाहता हूँ, क्योंकि इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं थी, बट आलोक दादा आपको मैं बताना चाहता हूँ, आई थिंक मुझे लगता है सर कि क्योंकि वी आर अ मूवी लविंग नेशन है ना, और हमें बहुत समय से सचमुच एक ऐसा ब्लॉकबस्टर फिल्म नहीं मिला है जिसको हम डिमार्केट कर पाए एज अ फिल्म, कि अरे मूवी है भाई, इसको तो भाई थिएटर में जाके देखना है। मुझे तो याद नहीं आ रहा, ये वेब सीरीज वगैरह छाई हुई है बहुत सारी, वो ठीक है, बट कल मैं पढ़ रहा था कि पीछे बैक बर्नर पे एक फिल्म बनती गई और वो एक्चुअली इंडिया की हिस्ट्री को भी इंटीग्रेट करती है। 1 के ऊपर ये फिल्म है और इसमें हमारे पवन शंकर बॉलीवुड में डेब्यू मार रहे हैं, भाई कितनी बड़ी बात है ये, पवन सर ये क्या कर रहे थे आप हम लोग से छुपा के पीछे। नहीं, जब क्या है कि जिंदगी में जब बहुत वक्त लग जाता है ना, तो मैं सच बताऊं कि हर चीज समय पे होती है ना, तो आदमी, या समय से पहले हो जाती है तो आदमी उसको बर्दाश्त नहीं कर पाता है। बहुत लोग अपनी सक्सेस हैंडल नहीं कर पाते हैं, बहुत लोग, और मैं उसका जीता जाता खुद को एग्जांपल मानता हूं कि मैं अपनी सक्सेस हैंडल नहीं कर पाया। मतलब एक टाइम ऐसा था कि कोई शो जो अनाउंस होता था, एक बार पहले पूछा जाता था और फिर आगे जाता था, चाहे वो राजीव खंडेलवाल जो अपना सुजल वाला रोल छोड़ रहे थे तब, या कोई भी रोल, मतलब ऐसा था नहीं कि 2004 से 2007-08 तक कोई ऐसा रोल रहा हो, लेकिन फिर मैंने सही फैसले नहीं लिए। आदमी को, हम लोग कहते हैं सक्सेस पाना मुश्किल है, लेकिन हमारा ये कहना है कि सक्सेस को मेंटेन करना उससे ज्यादा मुश्किल है। तो इसमें क्या हुआ कि इतना वक्त लगा ना, तो क्या होता है कि जब मैंने पहली बार जब सिद्धांत किया था तो बहुत सी होर्डिंग लगी पूरे इंडिया में, मैंने भी गाड़ी निकाली, पूरे बंबई में जाके घूमा, कोई दिल्ली से फोन कर रहा है, कोई कहीं से फोन कर रहा है, स्टार वन जब लॉन्च हो रहा था। उसके बाद क्या हुआ, फिर एक ब्लैंक पीरियड भी आता है, फिर जब ब्लैंक पीरियड आया, फिर जब क्या हुआ, तेरा वादा मैंने दोबारा किया 2012-13 में, मोना सिंह जिसमें थी, एकता जी का शो था, उसके बाद फिर होर्डिंग्स लगी, लेकिन मुझे वो एक्साइटमेंट नहीं हुई।
Okay. मुझे पता था जो आज है कल नहीं रहेगा, 15 दिन बाद दूसरी वोटिंग लगी होगी. तो अब उस स्टेट में है नितिन कि ना बहुत कठिन होता है तो घबराहट होती है, और ना बहुत अच्छा होता है तो बहुत खुशी होती है. एक न्यूट्रल जोन होता है ना, न्यूट्रल जोन. जब बहुत टाइम लग जाता है ना, मैं बीकॉम में फर्स्ट ईयर में टॉप करना चाहता था, नहीं कर पाया. सेकंड ईयर में नहीं कर पाया. थर्ड ईयर में जब किया तब तक उतनी इच्छा नहीं रह गई थी. आप समझ रहे हैं, हर चीज कर. लेकिन तब एक ठहराव आ जाता है, फिर आदमी गहराता नहीं. तो अभी क्या हुआ है कि इतना वक्त लग गया ना, आज से 10 साल पहले फिल्म आ जानी चाहिए थी, फिल्म आई भी लेकिन वो कम्प्लीट नहीं हुई. कुछ प्रोड्यूसर का हो गया, कुछ ये हो गया, कुछ वो हो गया. तो इतना वक्त लग गया कि अब आ भी रही. लेकिन ये जरूर कहेंगे कि जैसे टेलीविजन में सिद्धांत का एक ब्रेक थ्रू था, फिल्मों में इससे बेहतर रोल नहीं मिल सकता था. इट्स अ ड्रीम कम ट्रू. ओह यस. डबिंग कर चुका हूँ, देखा है जो प्रोजेक्ट, जो आउटफ्लो निकला है, जो आउटकम निकला है वो बेहतरीन है. उम्मीद है कि वो एक ऐसा रोल जो एक कलाकार को चाहिए होता है, जो जिंदगी में स्थापित कर देता है, वो एक रोल मुझे टीवी में सिद्धांत मिला था और फिल्मों में भुज का रोल मिला है. वाह. उमानी का किरदार है. उमानी इज आईएसआई पाकिस्तान चीफ, और बहुत भारी किरदार है. और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ हमारे डायरेक्टर साहब का कि वो टिके रहे कि ये रोल पवन ही करेगा. हाँ जी. No, no, I wanted to, because we're talking about Bhuj, Pawan sir, mujhe batana ki when you're acting on a set of a big film with huge stars and all that, to wahan ke mechanics, wahan ke mannerism kya hota hai? Is it different from what you do on TV or it's bahut different hota hai? Bahut different hota hai. TV mein hum log ko ek time bhi nahi milta hai ki hum apna shot dekh paaye. Aap sirf produce karte jaate ho, ye bhi dekhna hai nahi hai. Khana banate ja rahe ho, khane ka mauka hi nahi mil raha hai. ठीक है ना, बस आउटपुट आउटपुट आउटपुट. आपको रीटेक देने में भी आपको डायरेक्टर बोलना है, सर एक और ले लो सर, लगता है एक बेहतर हो सकता है. नहीं सर, सर इतना करना है. नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर. लेकिन टीवी में वो बहुत ज्यादा आउटपुट निकालना होता. फर्क ये रहता है कि वहां पे दिन भर में इतने शॉट्स होते हैं जो टीवी में शायद एक घंटे में भी निपट जाते हैं. तो मैं कह रहा था फिल्मों में जो आउटपुट होता है वो एक एक शॉट ऐसे होता है कि जैसे मोती की तरह नहीं निकाल रहे हैं आप. वो एक एक शॉट आपका, एक एक फ्रेम कैलकुलेटेड होता है. और मतलब और परफॉर्मेंस तो खैर हम लोग इतना ज्यादा आउटपुट निकालने के आदी हैं, तो लगता ही नहीं कि आप कोई परफॉर्म कर रहे हो, क्योंकि वो आपके लिए थोड़ा आसान हो जाता है. मुझे ऐसा लगता है फिल्में बहुत आसान है टेलीविजन के बनिस्पत. And how was it to work with Ajay Devgan and you know people like them? I mean, बहुत ही ज़्यादा down to earth है, बहुत ज़्यादा. और उनका व्यक्तित्व ऐसा है कि देखिए, आप ये देखेंगे कि कभी भी कोई attention की कोशिश नहीं करते. अपने हिसाब से stardom चलाया है, अपने हिसाब से ज़िंदगी जी है. Star मानना हो तो मान लो, नहीं मानना है तो नहीं मानो. हम अपने हिसाब से काम करेंगे. और वही किया उन्होंने किसी बिना प्रेशर के. True. और चूंकि उन्होंने थोड़ी एक्सक्लूसिविटी बनाए रखी है, इसीलिए इतना लंबी रेस तक वो आज भी सुपरस्टार बने हुए हैं अपनी एक. और शायद आज की डेट में काफी ऑथेंटिक, और शायद कह सकते हैं कि इस समय नंबर वन पे भी कहा जा सकता है उनको. कहा जा सकता है कि तानाजी इतनी बड़ी फिल्म हिट हुई 300. अभी बाकी जो सुपरस्टार हैं थोड़ा एक वो फेस चल रहा है. सो एवरीवन नीड्स अ स्टोरी, गुड स्टोरी. उनके साथ ये है कि थोड़ी सी रियल स्टोरी हमेशा से करते आए. मुझे लगता है कि एक बेहतरीन कहानी है भुज, एक बेहतरीन रियल. इसने हिस्ट्री को वाकई एंडोर्स किया है. ये रिकॉर्ड में नहीं था, इसको हमारे डायरेक्टर साहब, ज्यादा है नहीं, ज्यादा कहीं भी लिखा हुआ है. ये रिकॉर्ड में नहीं था. तो 10 साल पहले हमारे डायरेक्टर साहब इस कहानी पे 10 साल से काम कर रहे थे, अभिषेक दूधिया. और इन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ HRD सब जगह जाके इसको रजिस्टर करवाया. फिर ये प्रूव हुआ, फिर वहां पे स्मारक बना कि कैसे भुज का एयरबेस कैसे गांव की लेडीज ने बनाया था ओवरनाइट. वाओ. द सपोर्ट ऑफ इंडियन आर्मी, क्योंकि इंडियन आर्मी पहुंच ही नहीं सकती थी. सब तोड़ दिए थे सारे रास्ते. तो इन्होंने रातों रात एयरबेस बनाया टेम्पररी. इंडियन आर्मी पहले से पहुंच गई, इससे पहले कि पाकिस्तान की आर्मी आती. फिर हिस्ट्री ने डॉक्यूमेंट किया. तो एक बहुत ही ज्यादा पेट्रियोटिक फिल्म है और बहुत ही ज्यादा कॉन्टेंट है इसमें. सुपर सुपर. और अभी तो हम लोग ज्यादा हंगरी पड़े हुए ना, देखिए कहाँ फिल्में आ रही है. तो उस बीच इतनी बड़ी फिल्म का, और नॉट ओनली अजय देवगन, संजय दत्त,
सोनाक्षी सिन्हा, एवरीवन इज लाइक कि हाँ भाई ये फिल्म है, नौरा फतेही की भी पहली फिल्म है, नौरा की भी पहली फिल्म, नौरा ऑफ कोर्स। हाँ पवन सर, आज सोनाक्षी सिन्हा का हैप्पी वाला बर्थडे, तो आप लगे तो विश कर दीजिएगा। हाँ जरूर जरूर, सोनाक्षी हमारे जिम में भी आती थी, हम लोग जिम में भी थे, और ये ओशिवारा में एक जिम था गोल्ड जिम, वहाँ पे सोनाक्षी आती है, तब से थोड़ा वो है। हैप्पी बर्थडे सोनाक्षी। बहुत ही बढ़िया था, मुझे लगता है वी हैव गॉट एवरीथिंग बट शी मच मोर, और वी विश यू ऑल द। नहीं नहीं नहीं, इतने जल्दी जाने नहीं दूंगा सर, मेरे पास एक दो सवाल और है सर। बोलिए ना। सर ये ओटीटी प्लेटफॉर्म में how has OTT platform changed world for an actor? बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन बहुत ही टेलीविजन में जो कह सकते हैं, टेलीविजन किसके लिए देखा जाता था? टेलीविजन हमें देखा जाता था हाउसवाइफ्स के लिए, जो विलेज की लेडीज हैं, ज्यादातर टेलीविजन की टीआरपी वहां से आती थी। तो क्या होता था कि टेलीविजन के प्रोड्यूसर्स भी कंपेल्ड थे वैसा शो बनाने के लिए, जहां उन्होंने मेल ओरिएंटेड शो बनाते थे उसकी टीआरपी नहीं आती थी मजबूरी में। मुझे आज भी याद है, टाइम बॉम्ब आया था राजीव खंडेलवाल का, उसके बाद मैं वो शो सीजन टू करने वाला था, सब फाइनल हो गया था, लेकिन जी ने फिर सुधीर मिश्रा सर को बोला कि हमने अपनी पॉलिसी चेंज कर दी, हम मेल ओरिएंटेड या ऐसा कोई एडवेंचर नहीं करेंगे, वी आर गोइंग बैक टू आवर सास बहू और होमली ड्रामास। लेकिन ओटीटी से क्या हुआ कि वो सारे डायरेक्टर्स, वो सारे एक्टर्स जो उस तरह का शो नहीं करना चाहते थे, एक्टर्स के पास तो चॉइस कम होती है, मैं डायरेक्टर्स की बात कर रहा हूँ जो फिल्में नहीं। अब दूसरी चीज क्या है, फिल्मों में पहले क्या होता था, इसका पैसा, लेकिन ओटीटी में सारी प्रोफेशनल कॉर्पोरेट कंपनीज इन्वॉल्व हो गई है, पैसा टाइम पे आता है, यानी कि सेठ जी गए अगले महीने, दो महीने डिले फाइनेंस आएगा, तो सारी चीजें हिल गई। तो ये जो फिल्मों में होता था कि अभी पैसा खत्म हो गया है तो अभी फिल्म नहीं बनेगी, फिर बैठे हुए हैं, तो अभी हर चीज टाइम पे आती, पैसा टाइम पे आता है, पैसे पे टाइम पे बनता है, टाइम पे डिलीवर होता है, क्योंकि मेन चीज पैसा आ गया तो फिर तो रुकता नहीं है। और अब छोटे इंडिविजुअल इनएक्सपीरियंस प्रोड्यूसर्स का भी आना इंडस्ट्री में कम हो जाएगा, क्योंकि सारा कॉर्पोरेट ने टेक ओवर कर लिया। क्या होता है कि प्रोफेशनल्स प्रोफेशनल्स की तरह डील करते हैं, तो अभी क्या हो रहा है कि अब किसी को किसी के पैसे की जरूरत ही नहीं, सारा पैसा चैनल दे रहा है, जिसका कॉन्सेप्ट अप्रूव हुआ उसको चैनल ने पैसा दे दिया। पैसा पहले आ जा रहा है, टीवी की तरह नहीं कि 90 दिन बाद आएगा और 3 महीने बाद पता चला शो ही बंद हो गया, 4-5 करोड़ रुपए लग चुके हैं प्रोड्यूसर के। और सारी चीजें क्लियर भी है कि कितने डाउनलोड हुए, कितने व्यूज हुए टीवी में, टीआरपी लिमिटेड सैंपल में रहती थी, पूरे इंडिया की टीआरपी तो निकाल नहीं सकते आप। ओटीटी में तो एक भी शो का जो मेजर करने का जो स्केल थी ना, वो भी बिल्कुल क्लियर हो गई, एकदम क्लियर, कितने डाउनलोड, कितने व्यूज, कितने वो होंगे, तो हर आदमी प्रेफर कर सकता है, प्रोड्यूसर को पैसा देना, चलो रिलीज करो, कितने व्यूज होंगे, इतने व्यूज के बाद आपका पेमेंट बनेगा। जो फिल्में नहीं भी रिलीज हो रही थी, जो डिस्ट्रीब्यूटर्स पे डिपेंड करती हैं, डिस्ट्रीब्यूटर नहीं पैसा दे रहे हैं, वो सब अटक गई थी वो सारी फिल्में। तो आदमी क्रिएटिव फ्रीडम बहुत आ गई सबको, तो ये एक बेहतरी का स्टेप है। और जिनको रिग्रेसिव शो देखने, या कैसे रिग्रेसिव की जगह कहें, जिनको सास बहू वाले शो देखने, वो भी एक ऑडियंस है, वो टीवी कर ले, जिनको नहीं करना है ओटीटी कर ले। ओटीटी का एक और बेहतरीन, जो सबसे बेहतरीन एक्टर के प्रस्पेक्टिव से, कि हर एक किरदार जस्टिफाई होता है, हर एक किरदार परफॉर्म कर सकता है, कि उसकी सिर्फ डायलॉग टू स्टार्ट टू फिनिश डायलॉग पे एडिटिंग नहीं हो जाती है, कहानी आगे बढ़ाओ आगे चलो, कहानी दो लाइन बोली चलो आगे बढ़ो, एक एक किरदार को पॉज लेने का टाइम मिलता है, दाएं बाएं देखने के बाद जो रियल लाइफ में अपन करते हैं फिर डायलॉग बोलने का मौका मिलता है, तो हर कैरेक्टर निकल के आता है। अमेजिंग। जो टीवी में क्या होता था, मोनोटोनस हो जाता था, आप एक साल से ज्यादा कोई शो कर नहीं सकते, उसके बाद आप खत्म हो जाता है, निचुड़ जाता है। तो वही चीज ओटीटी में आपका टाइम बाउंड सीरीज होता है, हम लोग कब से बात करते थे कि टाइम बाउंड सीरीज होनी चाहिए, टाइम याद नहीं, हम लोग 10 साल पहले बात करते हैं, सीरियल तो चलते ही चले जा रहे हैं, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, चलते चले, अब टाइम बाउंड हो गया है, टाइम बाउंड हो गया है, और वो फिट भी बैठा हुआ, उनके स्टॉक में भी पड़ा हुआ है, तो बिल्कुल इंटरनेशनल पैटर्न जो चल रहा था वो इंडिया में आ गया है, और बहुत बेहतर है, जिसको जो करना है वो करे। हाँ, एक और चीज बहुत चेंज आया है, एटलीस्ट लॉकडाउन की वजह से, कि स्टार्स के लिए कम और एक्टर्स के लिए पीरियड बहुत बेहतर हो गया है। आप देखेंगे कि क्या कभी कोई ऐसे एक्टर जो फिल्मों में बैठे थे उनको इतना बड़ा काम मिल गया और हिट हो गए, वो क्या कभी सोच सकते थे ये एक्टर कभी वापस आ सकते हैं? आप नाम नहीं लेना चाहेंगे, लेकिन आप खुद सोचिए, ऐसे एक्टर जिनको आप देख के शायद हंस भी देते थे, आज भी काम कर रहा है। बहुत अच्छी बात है, वो अच्छा ट्रेंड है।
तो एक्टर्स आ गए, इसीलिए बाकी सब जो स्टारडम थे सब पीछे हो गए, इसीलिए आज जो परफॉर्म कर रहा है वो आगे आ रहा है। लेकिन थोड़ा सा ओटीटी में भी ये हो गया है कि जो दिख रहा है उसी को रिपीट कर रहे हैं, थोड़ा ये भी नए लोगों को भी लेकर आना चाहिए, थिएटर्स पे जाना चाहिए। लेकिन वो चल रहा है, दे आर डूइंग अ गुड जॉब, उनको सजेस्ट करना भी ठीक नहीं है, दे आर इन एन एसेंस स्टेज एंड दे आर डूइंग ब्रिलियंट जॉब। ट्रू ट्रू ट्रू। आई मीन लॉकडाउन ने हर किसी की जिंदगी एकदम 360 डिग्री चेंज कर दी है, बदलाव आया है जी, चाहे वो आम मरा की जिंदगी हो, थिएटर्स में रिलीज हो, ओटीटी हो, इट इज रियली चेंज ऑल। देखिए हर चीज है, हर मौके की दो पहलू होते हैं, एक अपॉर्चुनिटी निकालना होता है। अब बहुत से प्रोड्यूसर्स ऐसा किया है कि 10-10, 20-20 स्टोरी लिख के रख ली है उन्होंने, एपिसोड डेवलप करके रख ली है ओटीटी में, जो मास्टर काम कर रहे हैं, जो समय एस्टेब्लिश प्रोड्यूसर्स हैं, अरे 10-10 स्टोरी रेडी कर ली, अभी इतना कॉन्टेंट बाहर आने वाला है, द मोमेंट थिंग्स आर आउट नॉर्मल, इतना कॉन्टेंट आने वाला कि भाई टाइम तो तब भी लगता है ना, रिसर्च में, लिखने में, कमरे में बैठ के तो लिखते हो आप स्टोरी, तो उन्होंने एग्जीक्यूशन नहीं किया लेकिन उसको डेवलप करके रख लिया सबने। वाओ, व्हाट आर यू वाचिंग ऑन ओटीटी ऑन दीस डेज? आजकल इस समय महारानी देख रहे हैं, अच्छा शो बना है, मुझे बहुत तारीफ हो रही भाई उसकी, वो मेरे को अभी तक देखा। आई थिंक हुमा कुरैशी का ये बेस्ट काम है, बहुत बढ़िया किरदार है, अरे मतलब आप सोचिए उसमें एक से एक किरदार ने एक से एक परफॉर्म किया, मतलब मुझे लगता है कि इसमें मतलब एक प्रेम प्रकाश का रोल कर रहे हैं, एक बोल्ड से एक्टर हैं, लेकिन क्या परफॉर्मेंस है, मतलब एक आईएएस ऑफिसर हैं, सब ये सब कभी दिखे नहीं है, सब कहां से, भगवान करे कि सबको मौका मिले। और सबसे बड़ी बात, हर किरदार के लिए रोल बन गया है ओटीटी में, हर कैरेक्टर में, और सब जस्टिफाइड है, सबके रोल, कोई हीरो एज सच नहीं है, फेस होता है जरूर लेकिन सारे किरदार अहम होते हैं, ये बहुत अच्छा मूव है। तो क्या कहना, ये मुनासिब हुआ कि जो एक हीरो करके चलता था, यू नो फ्यू इयर्स बैक, यू नो हीरो ड्रिवन मूवीज, क्या वो समय खत्म हो गया है? बिल्कुल ही खत्म हो गया है, अगर कंटेंट नहीं है आपके पास तो आपको कोई पूछ भी नहीं रहा आज की डेट में। जिस प्रोड्यूसर के पास कॉन्टेंट है, कॉन्टेंट इज किंग, जो हमेशा से था, क्या बात, वो पूर्णतः एस्टेब्लिश हो गया है, क्योंकि अब आपके 300-400 करोड़ आएंगे कहां से, अब तो वही बिकेगा, जो अगर आज शायद राधे फिल्म बहुत अच्छी बनी होती, बहुत अच्छी अगर बनी होती तो मेरे ख्याल से 1000 करोड़ तक भी पहुंच सकती थी। क्या आदमी 3 करोड़ लोग देखते, 1 करोड़ लोग देखते, 249 तो कितना पहुंच जाता, आप सोचिए 250 करोड़ तो 1 करोड़ पे ही पहुंच जाता, और हम 140 करोड़ है, 140 करोड़ है भाई, 1 करोड़ घर बैठे देख रहे हैं, क्योंकि फिल्म के रिव्यूज उतने पॉजिटिव नहीं है, ऐसे लोगों ने नहीं देखा, लेकिन मुझे तो लग रहा था कि 1000 करोड़ तक जा सकती है, कोई अच्छी फिल्म अगर बनेगी तो 1000 करोड़ तक जाएगी पेपर व्यू मॉडल में, पूरे वर्ल्ड वाइड ऐसा ही तो हो रहा है, पेपर व्यू मॉडल पे भी चलता है ना। यस सर, एब्सोल्युटली, आप दोनों जगह रिलीज होती है, थिएटर में भी रिलीज होती है, पेपर व्यू में होती है, घर में देखिए, वहां देखिए, दोनों चलिए, अब यहाँ पे भी यही शुरू हुआ है, लेकिन मेरे ख्याल से आगे भी ये होगा, पेपर व्यू मॉडल रहेगा, जिसको थिएटर में जाके देखना थिएटर में देखे, जिसको घर पे देखना घर पे देखे। Amazing. I mean, it's just mind blowing ki how things have changed in just 1 year. Ek saal mein change hua, I really wish ki jo August mein ho ja rahi hai uske liye zabardast log grip hai, to dekhne wala hu yani, of course, lekin of course sab log wait kar rahe hai ki yaar ek koi badi film aaye, koi achhi story bataye, ek acha integration ho desh ki bhavnaye jaage, तो वो बिल्कुल, वो मेरे को लगता है एक परफेक्ट मिक्स है। और पवन सर, इसके अलावा ऑन द होराइजन कुछ आपको दिख रहा हो जिसके बारे में थोड़ा बहुत आप इस आइटम को बताना चाहते हो कि अभी आप वेट कर रहे हो बढ़िया कुछ आने के लिए? नहीं, मैं भुज का ही वेट कर रहा हूँ, इतना वेट कर लिया तो 15 अगस्त के आसपास शायद रिलीज होनी है, तो 2.5 महीने बचे हैं, क्योंकि जिस लेवल का रोल ईश्वर ने दिया है इस मोड़ पे आके, उसके बाद जिस क्वालिटी ऑफ रोल, बातचीत तो और भी चल रही है, बातचीत चल रही है, लेकिन मैं वो सब जाएंगे सितंबर में ही फ्लोर पे जाएंगे, क्योंकि ऐसा लगता है, तो मैं भी वेट ही करूंगा। नहीं, बहुत बढ़िया, और मैं मन में सोच रहा था, आपने वही बात बोल दी, क्योंकि आपके जैसे एक्टर के लिए, परफॉर्मर के लिए पवन सर, ये डिफिकल्ट होता हुआ ना कि जैसे सिद्धांत ने जो एक सेट किया, मतलब एक जो भूमिका बनाई, उसके बाद अगर कोई आपके पास, ऑफकोर्स आ रहे हैं प्रोजेक्ट, लेकिन सब हल्के हैं, आप देख के बोल रहे हो कि अरे यार ये क्या करूंगा इसमें मैं, नहीं तो यही तो बहुत समय निकल गया, लेकिन तो इसलिए कभी कभी ये है कि बहुत ज्यादा सोचना नहीं चाहिए, जिसकी जो जिंदगी है, बहुत ज्यादा सोचने वाले भी पीछे रह जाते हैं, और हम उसकी एक जीती जागती मिसाल है, नहीं तो छोटे छोटे रोल करके भी
नवाजुद्दीन सिद्दीकी या इरफान खान साहब या फिर पंकज त्रिपाठी, ये जो भी ऐसे एक्टर्स आज की डेट में स्टैंड हैं, छोटे 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 रोल करके कहाँ से कहाँ पहुंच। आप ये देखिए ना, एक एक सीन के रोल करके पहुंच गए। हम ही लोग बैठे हुए कि जी लीड रोल आएगा तब करेंगे, और फिर बैठे रहिए। तो नथिंग फेल्स बाय फेलियर, ये मेरे को लगता है सबसे बड़ी चीज है, टू रिकॉग्नाइज कि भाई हमसे कहाँ पे गलती हुई एंड वेयर कैन बी इम्प्रूव। मेरे को लगता है इस बात का एहसास होना इज ओनली लाइफ। हमको समझ में तो आए कि यार हाँ कहाँ पे हुआ था गड़बड़, और चलो अभी उसको सुधारेंगे। मतलब ये बहुत ही बढ़िया। तो दादा फिर कल के लिए बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक, बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। देखिए आप लोग, मैं व्यूअर्स से कहना चाहूंगा कि लाइफ में एक एनर्जी बहुत इम्पोर्टेंट होती है, और वो साउंड एनर्जी सबसे अहम होती है। और जितनी एनर्जी हमारे नितिन जी में है, जिस तरह से शुरू करते हैं कि एक डल आदमी भी एक आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंच जाए, तो ये एनर्जी अपनी लाइफ में रखिए और आपके शो को हिट बनाते रहे। बहुत ही बेहतरीन अंदाज में आप लोग की प्रस्तुति है, हम बहुत अच्छा लगा। क्या बात है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच पवन सर, थैंक यू। अब आराम करिए, फिर मैं बात करता हूँ आपसे। प्लेजर, थैंक यू, थैंक यू, टेक केयर, बाय। लिसन टू द आलोक नितिन पॉडकास्ट एट YouTube near you.